अरे कहाँ घूम रहे हैं भैया, कहाँ घूमा जाए, बेरोजगारी है भी, काम धाम एकदम मंदा है, तो क्या किया जाए, आदमी घूम रहा है कस्टमर के चक्कर में। अरे तो भैया बाइक पर घूम रहे हैं भैया, वैसे घूम रहे हैं भैया, का मतलब क्या है बेरोजगारी है भैया? बाइक पर घूमे नहीं मालिक, अब पैदल कितना दूर है, घर का काम है, बच्चे को स्कूल पहुँचाना है, गाड़ी नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, नहीं दूसरे घर टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं भैया ये बताइए? अभी हम पहाड़ वाले गाड़ी से आ रहे हैं, अपने रोजी की चलाते से। पहाड़ पर रहते हैं? रहते हैं अकबरपुर में, पहाड़ से कस्टमर आता है, उस जाते हैं ड्राइवर लोग से मिलते हैं। क्या पैसे दुकानदार है क्या, पहाड़ वाले गाड़ी पे आ जाते हैं कस्टमर से वहीं मिल लेते हैं क्या? एकदम मिलना पड़ता है तभी तो दाल रोटी चलेगा, नहीं तो फिर घर में भुंजिया रोटी चलेगा तो अच्छा ना लगेगा। अच्छी बात है, अच्छा अभी दाल रोटी चल रहा है? अरे भैया अल्लाह का शुक्र है भैया, दाल रोटी चल रहा है भैया। तो मैं तो लेकिन आप अपने बाल बच्चे को तो अच्छा खिलाना सोचेंगे कम से कम भैया, हम तो दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। कितने बच्चे हैं भैया? हमारे एक लड़का एक लड़की है, मोदी जी के बात पे अमल है भैया हम। आप मोदी जी के बात पे अमल कर रहे हैं? हाँ, एक लड़का हुआ एक लड़की हुआ, पैक करा दिए, मोदी जी के बात पे अमल है, कोई स्कीम होगा तो पास कराइएगा हमारा। बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, दो से ज़्यादा रखिएगा ना भैया, तो बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, ना वार्ड में खड़े हो सकते हैं, ना डिप्टी में खड़े हो सकते हैं, ना चेयरमैन में खड़े हो सकते हैं। भैया हम का वार्ड में खड़े, हार्ट के मरीज है तो वार्ड में खड़ा होकर हम मरे जाए, हम हमको नहीं सब सुविधा से बड़ी दूर रहना भैया। क्या भैया राजनीति अच्छा नहीं लगता? राजनीति बहुत अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को देखने में, आप उसमें लड़ने में, अपने लड़ने में अच्छा नहीं लगे, इसके हार्ट के पेशेंट है, कहीं हार्ट अटैक हो गया ना। इतना कम उम्र में आपका हार्ट होने का क्या रीजन है भैया? हार्ट तो एक बच्चा को हो जा रहा है, उम्र मेरा कम से कम 31 साल हो रहा है, और एक उम्र आधा से उम्र बेसी निकला जा रहा है, अब तो 60-65 साल भी बेसी जी भी नहीं था भैया। 60-65 साल में जी भी नहीं रहा भैया, 60 पे काम तमाम हो जा रहा है, 60 पे काम तमाम हो जा रहा है। खाद वाला है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ खा के बस 60 साल के बाद मर जाइए। हर चीज़ खाद क्या रहा है, तो बहुत बड़ा समस्या आप बता रहे हैं। तो क्या किया जाए, बताना ही ना पड़ेगा। बैगन बहुत बड़ा बड़ा रहा है मार्केट में भैया, ये कैसे आ रहा है? बस खाद का इंजेक्शन पड़ा है तो सनसना के बढ़ जा रहा है। अरे कद्दू भैया 2-2 मीटर का आ रहा है मार्केट में भैया, ये कैसे आ रहा है? पड़ा है सनसना के बढ़ जा रहा है। भैया सेब ऐसा पड़ा हुआ, इसका इसमें खाद नहीं है क्या? नहीं भैया, ये छाटा हुआ सेब है, छाटा हुआ सेब है, छाटा हुआ सेब है कि बेचारे गरीब आदमी खाएंगे, अब वो जो फल फ्रूट रखा रहता है वो बड़े आदमी खाएंगे, गरीब के लिए ठेला पे, ये गरीबों के लिए है। तो गरीबों के लिए आप क्या कोई आवाज़ वाज यहाँ से दे सकते हैं क्या? आवाज़ देंगे गरीब को, बस यही कहेंगे जो भी स्कीम आए तो गरीब पर पहले ध्यान रहे। हाँ, ये नहीं कि मुंह देख के पीड़ा पीड़ा धराना है, बस गरीब पर ध्यान देना है, गरीबी बस, आप गरीबी पर ध्यान दीजिएगा तो आप पर आदमी। अच्छा आप ये बताइए किस वार्ड में रहते हैं आप? हम नंबर वार्ड 5। वार्ड नंबर 5 में रहते हैं, तो वार्ड नंबर 5 की समस्या कोई बता दीजिए। बहुत बुरी समस्या, अगर कोई आके देखना चाहे पहले तो आके देखे, हम तो गुजारिश करेंगे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन और वार्ड हमारे अपने मामा है सर्वर मामा, उनसे भी किए किया, लाइन का प्रॉब्लम है, गली का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, पहले एक बार उन लोग आकर देख लें तो बड़ा उन लोगों के लिए हम ये कहेंगे शुक्रिया कहेंगे कि देख लिया उसके बाद। मान्य लाइन और गली और नली का तो हर लमसम हर गली में है? नहीं नहीं, ये मान लीजिए आदरणीय शौकत मुखिया के टाइम में हमारा गली बना है, उसके बाद 2-3 मुखिया पद चला गया, आज तक उस गली में कोई नहीं झाँक पाया है। शौकत जी के समय बना हुआ है भैया? हाँ, उस टाइम में ढलाई हुआ है, उसके बाद कोई उंगली में रसमलाई नहीं हुआ है, एकदम उसी पड़ा है वीरान तो पड़ा हुआ है। आपको वार्ड नंबर कितना भैया? वार्ड नंबर 5 जो है नगर पंचायत को हताश हो गया है, यहाँ लोग का कुछ यहाँ सोच विचार कुछ बदला कि नहीं? बहुत बचला है, हिंदू मुस्लिम एकता पे तो रामनिया जी को जिताया गया है जी। हाँ, तो सोच ही ना बदला है कि और कुछ बदला है हम लोग, यानी कुल मिला के युवा ने नया सोच किया है, युवा पीढ़ी तो उनको मर्जी का दिया है, थोड़े से बूढ़े लोग गड़बड़ा गए, उनका भी दिमाग लाइन पे आ गया है कि बच्चे इस बार सही किए हैं। हाँ, कहाँ की समस्या है भैया? बोलिए आइए आइए, बोलिए बोलिए, क्या नाम है बाबू? रमेश सिंह। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? केड़िया मोहल्ला में। क्या समस्या है भाई? नाली है जो ऐसा ही खुला है पूरा, कोई भी बच्चा उसी में गिर जाता है। ये 5 के वार्ड है नंबर, आप देखिए हिंदू मुस्लिम एकता है, हम लोग का काम होना चाहिए। अच्छा काम कैसा काम होना चाहिए साहब? हम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से आपका नाम आए, काम ऐसा हो कि वहाँ आपका नाम हो, और ऐसा नगर पंचायत रोहतास में इंतजाम हो, एकदम हो इंतजाम, आए खुशी में सुबह खुशी में शाम हो, ये नगर पंचायत रोहतास का इंतजाम हो, ऐसा कुछ निजाम हो। तो क्या ये अभी जो चौराब न्यायाधी साहब जीत कराए, ये सारे जो अभी युवा हमारे जो जीत कराए हैं डिप्टी में हैं, अभी तो शपथ लिए हैं इंशाल्लाह। हाँ, जब उनके धीरे धीरे जो भी उनके ईमेल मिलेगा तो हमको उम्मीद है कि वो करेंगे। क्या उम्मीद है आपको कि विकास का काम कुछ होगा? बिल्कुल करेंगे। ये भी देखिए सारे नगर पंचायत और 7 वार्ड नंबर 5 के ये युवा हैं, और न्यायाधी न्यूज़ ने इनकी बातों को सुना और आप तक पहुँचाया।